पाकिस्तान बन जाएगा लल्ला जब योगी की मेड इन यूपी वाली तोप मचाएगी हल्ला। नरेंद्र मोदी के सिग्नल का इंतजार, पीओके लाने के लिए योगी है तैयार। पीओके में छूटने लगे पटाखे, लोग योगी की तस्वीर के साथ खूब नाचे। मोदी से ग्रीन सिग्नल मिला, राजनाथ ने बटन दबाया, योगी ने तैयार करवाया। घंटे हफ्ते या साल तैयार हो गया मेड इन यूपी वाला माल, मचाएगा ऐसा धमाल कौन रोक पाएगा। लिख कर ले लो, बदल ही जाएगा पाकिस्तान इन कंपनी का भूगोल। पिछले 24 घंटे में पीओके से लेकर कराची और पेशावर तक योगी योगी गूंज रहा है। मोदी तो बाद में, पहले पाकिस्तानी हुकूमत को योगी के सपने आने लगे हैं। इस बार बुलडोजर बाबा ने ऐसा हथियार तैयार किया जिसकी गूंज से ही पाकिस्तान सो नहीं पा रहा। योगी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जितनी जल्दी भारत को अपने आप को सौंप देगा उतनी ही जल्दी उसकी भुखमरी और गरीबी दूर होगी। योगी तो अखंड भारत बनाना चाहते हैं और इसकी खातिर योगी ने तोप वाला प्लान भी मन में तैयार कर लिया। दरअसल भारत डिफेंस कॉरिडोर में इतने खतरनाक हथियार बनवा रहा है जिससे दुश्मन देश भी कांप जाएंगे। भारत का ये डिफेंस कॉरिडोर यूपी की जमीन बुंदेलखंड में तैयार किया जा रहा। बुंदेलों की धरती वीरों और बहादुरों की धरती रही है। हाल ही में जब योगी से पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में बन रही तोपों के गरजने से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। 2050 तक भारत को सुपर पावर बनाने का लक्ष्य है तो उसके लिए अपना एरोस्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पनडुब्बी, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन जैसी चीजें बनाने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सुपर पावर बनने के लिए हमें दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर रहना छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास एडवांस जनरेशन के फाइटर प्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट होने चाहिए। हमारे पास अपने हथियार और साजो सामान होने चाहिए। अभी भारत डिफेंस जरूरत के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका पर निर्भर है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। साल 2020 में फ्रांस से राफेल विमानों की खेप मिलनी शुरू हुई। राफेल विमान 4.5 जनरेशन वाली फाइटर जेट है। सोचिए जिस वक्त अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में 6 जनरेशन की फाइटर प्लेन्स उतर चुकी हैं, उस वक्त भारत अभी 4th जनरेशन और उसके आसपास के जेट से ही काम चला रहा है। चीन दावा करता है कि उसने 7th जनरेशन की फाइटर प्लेन भी तैयार कर ली है। अगर भारत के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपना तकनीक होता तो आज हमारे पास भी 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स होते। इसलिए मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया तो उनका मकसद था भारत परमाणु क्षेत्र और डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट की देखरेख किसी सबसे भरोसेमंद आदमी को देने की जरूरत थी। ऐसा इंसान जो मोदी के बाद जब पीएम की कुर्सी पर बैठे तो उसे हर एक चीज पता हो, और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश को चुना। मोदी चाहते तो डिफेंस कॉरिडोर गुजरात में भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश को चुना है क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ ने लैंड बैंक तैयार करवाया और वो सारी सुविधाएं देने का भरोसा दिया जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए जरूरी थी। अब जरा योगी राज में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जान लीजिए, जिनकी तोपें पेशावर से पाकिस्तान और कराची तक खलबली मचा रही हैं। उन तोपों में ऐसी कौन सी खासियत है? डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जो कई शहरों को शामिल करके तैयार किया जाता है। इन शहरों में सेना के काम में आने वाले सामानों के निर्माण के लिए एक इंडस्ट्री विकसित की जाती है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल और अलग अलग तरह की बंदूकें बनाई जाएंगी। राइफल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक सब कुछ इसी डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा। स्वीडन की कंपनी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिसाइल और तोप बनाने का काम शुरू भी कर चुकी है। साब एबी नाम की कंपनी 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर चुकी है। यहाँ भारत की अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप भी तैयार की जा रही है। यहाँ पनडुब्बियां और वॉरशिप भी तैयार होंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के 5 शहरों को मिलाकर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लोगों को इंतजार है 2025 का। जैसे ही ये डिफेंस कॉरिडोर तैयार हुआ फिर तो पाकिस्तान का भूगोल बदलना लगभग तय है। वैसे भी योगी जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस कमिटमेंट पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।